आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक। कक्षा 6 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पुस्तक भूगोल यानी कि ज्योग्राफी की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन। तो चलिए आज इसका पहला पाठ पढ़ते हैं। चैनल से आप जुड़ चुके होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नीचे जो रेड सब्सक्राइब का बटन दिया गया। पाठ 1 हमारा सौरमंडल। रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं। इनमें चंद्रमा एवं तारे शामिल हैं। नगरों में तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या है, इन्हें क्या कहते हैं, यानी कि शहरों में जहाँ प्रदूषण अधिक है उसकी बजाय हमें गाँव में अपेक्षाकृत अधिक साफ दिखाई पड़ती है। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं, यानी कि क्रिस्टियल बॉडी। इनमें सूर्य चंद्रमा तारे आदि शामिल हैं। चांद तारों के बारे में सोचता बच्चा, चित्र में जैसा कि देख रहे हैं कि बच्चा लेटा हुआ है आसमान में देख रहा है, तो चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? कभी कभी प्रातः या सायंकाल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है? क्या इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश है? रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं, इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारे हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि हम इन्हें बिना शक्तिशाली दूरबीन यानी टेलीस्कोप के बिना नहीं देख सकते। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। आइए विचार करें, आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं, परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे एवं कम प्रकाशमान दिखाई देते क्यों? आप नज़दीक के किसी वृक्ष को देखो तत्पश्चात उसी या उससे बड़े आकार के किसी दूर के वृक्ष को देखो। देखने के बाद तुलना करें, दूर का वृक्ष समान या बड़े आकार का होने पर भी हमें दूरी के कारण छोटा दिखाई देता है। इसी प्रकार ऊंचे उड़ते हवाई जहाज एवं पक्षियों को छोटा दिखने पर भी विचार करें। रात्रि के आकाश में देखिए, ये लड़की खड़ी हुई है तो दूर के वृक्ष छोटे दिख रहे हैं, ये पास का वृक्ष बड़ा, जबकि ये वृक्ष लगभग समान ही हैं। रात्रि के आकाश में तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं, इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन, जो हमें दिखाई देती हैं नक्षत्र मंडल। विभिन्न आकृतियां बनाती हैं तारे। खगोलविदों के अनुसार यानी कि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। कितने नक्षत्र मंडल हैं? 88। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं ओरियन, अर्सा मेजर, बिग बियर जिसे कहते हैं, कैनिस मेजर, ग्रेट डॉग कहते हैं, स्मॉल बियर जिसे सप्त ऋषि मंडल कहते हैं, यानी कि जो सप्त ऋषि तारामंडल है उसको बोलते हैं स्मॉल बियर। प्राचीन काल से ही सप्त ऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता रहा है। सप्त ऋषि तारामंडल के दो तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। आपने अपनी दादी या माँ से ध्रुव तारे की कहानी जरूर सुनी होगी। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में सदैव स्थिर दिखाई देता है। जी हाँ, ये सप्त ऋषि तारामंडल है। इसके नीचे के जो दो तारे हैं उसकी सीध में अगर देखेंगे तो उत्तर दिशा में हमें चमकता हुआ ध्रुव तारा दिखाई देता। सौर मंडल के बारे में जानते हैं। सोलर सिस्टम, सूर्य 8 ग्रह, इन ग्रहों में उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। ये हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण, इनकी खिंचाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। इसमें प्रमुख रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूरज, क्यों? हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वी सूरज में समा सकती है। ये समूचे सौर मंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, यानी कि कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। अगर कोई पूछता है कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 19 सेकंड। तो ये देखिए हमारे सौर मंडल का चित्र है, और इसे एक ट्रिक के द्वारा मवेम जसून पी, जिसके द्वारा हम इन ग्रहों को याद कर सकते हैं जो सूर्य के किस क्रम में है। तो ग्रह जो प्लैनेट है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए इनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना
काटते हो? जी हाँ, तो हम यहां जाना कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। देखिए जितने भी ग्रह हैं वो किसी की कक्षा को नहीं काटते हैं, तो वो ग्रह होते हैं और उनका आकार बड़ा होना चाहिए। और सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम है, बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। और सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की बात घूमते हुए सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा, दज पव सब बापे मध्य में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब जैसे कि जो इन ग्रहों को अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है, जो अपनी धुरी पर घूमते हैं और चारों ओर जो घूमते हैं उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं, यानी कि ये कहलाता है चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। जी हाँ, जिसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं, जिस पर हम रहते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में ये पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। अब ये याद रखना चाहिए कि ये सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा है और आकार में पांचवां है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी है, इसलिए इसके आकार को भूभाव यानी जियोड कहते हैं। जियोड हमने पढ़ा था, तो इसको भूभाव, भूआव, क्योंकि ये ध्रुवों पर चपटी है, बीच में फैली हुई है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां समता केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, इसलिए इसे हरित ग्रह भी कहा जाता है, इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है और हरित ग्रह भी, क्योंकि यहाँ पर जीवन है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण ये अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लेनेट। देखिए ये नीला दिख रहा है अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी, इसे भी जाने खगोलविदों के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौरमंडल की भांति ग्रह, उपग्रह आदि आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है। जी हाँ, जैसे हमारे सूरज के पास सौर परिवार, इसी तरह अन्य तारों का भी हो सकता है। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सौरमंडल के ग्रह की तुलनात्मक तालिका, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत छोटा वो लिखा है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं ये तालिका बनी है। बुध भूरे रंग का है, शुक्र हल्का पीला है, पृथ्वी नीला है, मंगल हरा थोड़ा भूरा है और लाल भूरा है, सॉरी मंगल, बृहस्पति गुलाबी रंग पर है, सफ़ेद पट्टी है, शनि जो है सुनहरा पीला है और यूरेनस आसमानी है और नेपच्यून गहरा आसमानी है। तो सबका क्रम भी लिखा कि कौन कितने दिन का चक्कर लगाता है सूरज का, वही उसका एक वर्ष होता है, जैसे कि बुध 88 दिन में, शुक्र जो है 225 दिन में, पृथ्वी जो है 365 दिन में चक्कर लगाती है। ठीक है, तो 365 दिन, उसके बाद इसका एक उपग्रह भी है चंद्रमा। तो इस तरह हम पूरी साड़ी को पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4, यानी कि जितनी पृथ्वी का व्यास है उसका 1/4 व्यास चंद्रमा का है। ये हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 384,000 किलोमीटर, तो याद होना चाहिए। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं, मूनलाइट। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण ये रात्र के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। ये रहा चंद्रमा का चित्र। अब चंद्रमा के बारे में कुछ बात जान लें, इन्हें भी जाने। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। परिभ्रमण, ठीक है, परिक्रमा नहीं, परिभ्रमण, यानी कि रोटेशन कैसे करते हैं। सूर्य और यूरेनस को छोड़कर सभी लोग सभी सुई के विपरीत दिशा में, यानी कि इस तरह करते हैं। सुई इस तरह चलती है तो ये इस तरह करते हैं, केवल शुक्र और यूरेनस को छोड़कर, याद करना चाहिए। दो ग्रह सूर्य और यूरेनस, क्षुद्र ग्रह किन्हें कहते हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह जो होता है एस्ट्रॉइड्स, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कोई पूछे एस्ट्रॉइड्स क्या है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड, मेट्रॉइड्स क्या होता, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़कर जलने लगते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं, बच्चे उनसे भिस मांगते हैं। इस प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, इन्हें ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। जरा पुच्छल तारे के बारे में जान लेते हैं। पुच्छल तारे यानी कॉमेट्स, पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल अथवा गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें धूल और बर्फ बाष्प में बदल जाती, यही बाष्प मुख पिंड से एक लंबी सी पूंछ, चमकीली पूंछ के रूप में चमकती है, बाहर निकल जाती। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सूर्य सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती, जो हमेशा चमकती दिखाई देती है। तो हमने पुच्छल तारे के बारे में भी जान लिया।
आप सोच रहे होंगे इतने सारे ग्रह उपग्रह और क्षुद्र एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे, फिर भी कभी आपस में टकराते नहीं, ऐसा कैसे संभव होता? आइए करके देखें। विद्यालय परिसर में एक बच्चा सूर्य बनकर खड़ा हो सौरमंडल के चित्र में दिखाई दे विभिन्न ग्रहों के दीर्घाकार वृत्ताकार मार्ग के अनुसार जमीन पर लकड़ी चूना चाक की सहायता से निशान बना ले। अब आठ बच्चे क्रमशः बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून बनकर अलग अलग दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हो जाएं और अपने निर्धारित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर घूमें। कितनी भी देर किसी भी गति से आप चलते रहें, कभी भी आपस में टकराएंगे नहीं, क्योंकि सभी अपनी अपनी कक्षा में ही घूमेंगे। अगर कोई अपनी कक्षा से बाहर जाता तो टकराने की संभावना रहती है, लेकिन ये सभी अपनी कक्षा में ही घूमते हैं। अब ये जान लेते हैं कुईपर मेखला क्या है। ये प्रश्न अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। कुईपर बेल्ट ये नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी बद्ध आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोली पिंड उपस्थित हैं जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। जो धूमकेतु होते हैं वो इसी क्षेत्र से आते हैं जो नेपच्यून से भी दूर है, बाहर है। खगोलविदों के अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है, ठीक है, इसे भी जाने। हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह थे, यम प्लूटो नौवां ग्रह था। अब यू प्लूटो को हटा दिया गया, ये नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। ब्रह्मांड के बारे में जान लेते हैं, उसी के साथ हमारा पाठ भी समाप्त होगा। आपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार मार्ग देखा होगा। ये करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी की आकाशगंगा कहते हैं, इस पट्टी को गैलेक्सी। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार दस्तरी जैसा है। इसे लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग। तो जिस आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल है उसमें कितने तारे हैं? 1 अरब। इस प्रकार करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्या आपने विचार किया कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा सूर्य पृथ्वी आदि आकाश पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई? इसे भी जाने। प्रकाश वर्ष इस पर ये दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश द्वारा अंतरिक्ष में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी एक वर्ष में प्रकाश जितना चलता है अंतरिक्ष में उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो इसकी माप लगभग 946 खरब किलोमीटर होती है, एक प्रकाश वर्ष की दूरी। ठीक है, कितनी? 946 खरब किलोमीटर। तारों के मध्य दूरी, आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगाओं के मध्य की दूरी आदि दूरी मापने में इसका प्रयोग करते हैं। हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 1,00,000 वर्ष लगेंगे। मतलब कितने वर्ष लगेंगे? 1,00,000 वर्ष। जबकि एक वर्ष में कितना चलता है? 946 खरब किलोमीटर। यानी कि हमारी आकाशगंगा बहुत बड़ी है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग। अच्छा, ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुई? तो आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा एक ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। ये फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादलों के इकट्ठा होने से हुआ। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसी पिंड बने जिससे तारों का निर्माण हुआ। आकाशगंगा के केंद्र सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश से हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 100 करोड़ 1,000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। इतनी दूर है। प्रकाश को आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1,00,000 वर्ष लगेंगे। प्रकाश 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। अगर कोई पूछे कि प्रकाश की गति क्या है तो 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में प्रकाश 3,00,000 किलोमीटर दूर चलता और फिर भी सौरमंडल पार करने में 24 घंटे लगते हैं। तो ये था हमारे में एक विशाल ब्लैक होल होता है। तो ये चलिए आकाशगंगा के बारे में जाना। अब एक विशाल ब्लैक होल होता है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का स्थायित्व बना रहता है। ये रहा ब्लैक होल। ठीक है, हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की भारी भुजा में हमारे तारे का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में ये आकाशगंगा की बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसी बादलों का संचयन होने लगा। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रह उपग्रहों क्षुद्र ग्रहों पुच्छल तारों आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। कृष्ण विवर ब्लैक होल ये क्या है? ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्रित होता है। अर्थात
इसका घनत्व बहुत अधिक होता है, इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता, यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अतः इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं जा सकता। तो ये था आपका पाठ, चलिए।